पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाएं सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी हैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनसे मिलने आए हैं। डॉक्टर साहब, पहले ये शहीद स्मारक पर बैठी थी, अब यहाँ बैठी हैं, क्या मांग? नहीं, दरअसल मैं इनसे मिलने के लिए आया था, तो आज दिन में सचिन पायलट साहब से मिली थी और मैंने उनको कहा भाई अब क्या रह गया, तो कहती हैं कि सचिन पायलट ही हमको प्रियंका जी से मिला सकते हैं जी, इस बात का आश्वासन दें नहीं तो हमें वहाँ ले जाएं, क्योंकि ये दिल्ली जाके आई थी, इनका मिलना प्रियंका जी से नहीं हुआ और मामला महिलाओं का है। सोनिया जी तो अस्पताल में भर्ती बताई और राहुल गांधी जी विदेश गए, तो वैसे में प्रियंका जी से मिलना उचित रहेगा और ये प्रियंका जी से सचिन पायलट साहब भी मिला सकते हैं, क्योंकि जो दुर्व्यवहार इनके साथ हो रहा है, मारपीट, घिसापटकी और जो करा रही हैं, जिस ढंग से बेइज्जत अपमान राजस्थान की पुलिस कर रही है, ये कम से कम जब मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए तैयार नहीं है तो उनकी कहें तो सही, ये हालात हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये हालात कर रखी हैं कि वीरांगनाओं के साथ किस ढंग का अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, तो ये इस जिद के साथ यहाँ पर बैठी है। इनको आशा है सचिन पायलट साहब से कि हमको प्रियंका जी जरूर मिलेंगे। दिन में भी सचिन पायलट से तो इनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री को, लेकिन किस स्तर पर कार्रवाई हो सकती है? सरकार के स्तर पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो तो अभी कोई पहल न राजेंद्र यादव की तरफ से दिख पा रही है न सरकार की तरफ से, हालांकि वो बातचीत करने के लिए तैयार हुए थे। नहीं, बात उन्होंने की है, राजेंद्र यादव जी ने भी की थी, आरती डोगरा ने भी की थी, बातों में वो पॉजिटिव थे, पर मामला कहाँ अटका हुआ है तो मुख्यमंत्री के स्तर पर तय होना है, और अगर इच्छा शक्ति हो तो कौन सा वो नहीं है जो देवर को नौकरी नहीं दे सकते। हमारे गुर्जर आंदोलन में देवरों को भी दिए, भतीजों को भी दिए, चचिया ससुर को भी दिए, जिसके परिवार में कोई भी नहीं था तो बाहर के रिश्तेदार को जाके दिए, वसुंधरा सरकार में दिए, तो ये तो प्रभु वो है, मुख्यमंत्री चाहे तो हो जाए, कौन सी डिफिकल्ट बात है? सरकार का विशेष अधिकार माने इसको कि देवर को नौकरी दिया सके, लेकिन सरकार कह रही पेच यहीं पर है, देवर को नौकरी देने के प्रावधान नहीं, कोई पेच नहीं है, ये बहाना है, और इसमें वो बात आएगी और इनको बदनाम होना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रियंका गांधी क्या समाधान निकालेंगे? समाधान तो सरकार को ही निकालना। गांधी जी नेशनल लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मुख्यमंत्री को कहेंगे भाई मैंने ये नारा दिया है, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, और जब वीरांगनाएं जयपुर की सड़क पर आपसे मिलने जा रही हैं, वो लड़ भी रही हैं और आप उनको न्याय नहीं कर रहे, उनका अपमान कर रहे हो, तो प्रियंका जी का कहने से मुख्यमंत्री को विचार करना पड़ेगा गंभीरता से। तो पुलिस इन वीरांगनाओं के साथ में इस तरह का बर्ताव कर रही है, और क्या जो इनके पति हैं वो रहते हैं, और क्या किसी अन्य फौजी की पत्नी इसके साथ में पुलिस इस तरह का बर्ताव कर सकती है उसके रहते? नहीं, ये देश की सेना का अपमान है, राजस्थान की जनता का अपमान है, राजस्थान ने बहुत सपूत सीमा पर भेज रखे हैं राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, पूरे देश का अपमान है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और हम रुकने वाले नहीं हैं, जो इनका अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में ले जा रहे हैं, अब भी हमने कहा है कि धारा 142 का उल्लंघन, इनको गिरफ्तार करेंगे, कभी कह रहे 191 करेंगे, तो तैयार हैं हमारे सीमित कार्यकर्ता, हम ज़्यादा भीड़ नहीं बोला, सीमित कार्यकर्ता जो भी यहाँ हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, राष्ट्र की जिन्होंने रक्षा की है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनकी वीरांगना के लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, गहलोत की पुलिस कानून को बेशक हाथ में ले, लेकिन हम नहीं लेंगे, हम अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से सरकार को संदेश देते रहेंगे बराबर, चाहे वो गिरफ्तार करें, चाहे लाठी मारें, चाहे जेल में डालें। अब यहाँ जब मिलने आई तो पायलट साहब ने कहा भाई मेरी मुख्यमंत्री जी नहीं मानते, तो भाई आला कमान की तो मानेंगे, तो पायलट साहब से आपके चैनल के जरिए मेरे को प्रार्थना है कि इन वीरांगनाओं को दिल्ली ले जाएं, प्रियंका जी से मिलाएं, और वो कहेंगी, और उसी स्तर पर भी सीएम नाम नहीं मानेगा तो अगला हम रास्ता अख्तियार करेंगे, लेकिन वो सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावी साल है इसलिए इस मुद्दे को ज़्यादा उठाया जा रहा है। ना, चुनावी साल वाली बात नहीं है, अरे भाई 4 साल हो गए, 4 साल से आपने कुछ नहीं किया, तो आपको जब ये चिंता लग रही है चुनावी साल है और मुद्दा बन जाएगा तो आप समाधान करो ना, आपको कौन मना कर रहा है? आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप नहीं करना चाहते, आप भरतपुर तो चले जाओगे गौ तस्करों की समाचार लेने, नकदी देने जाना चाहिए, वो भी गंभीर प्रकरण था, तो आप फिर वही तुष्टिकरण पर आ गए,
और जो देश की रक्षा की अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी वीरांगना को अपमान झेलना पड़ रहा है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी को इन वीरांगनाओं के घरों पर जाना चाहिए थे, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठी उनको मिलना चाहिए, ऐसा अड़ियल रवैया मुख्यमंत्री जी को नहीं अपनाना चाहिए। ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठ है जो राजस्थान में कभी भी नहीं हुई। सर, आप थोड़े से भी सक्रिय होते हो, सिविल लाइन आते हो तो सिविल लाइन में बैरिकेटिंग हो जाती है चारों तरफ, अभी भी राजभवन के सामने बैरिकेटिंग हो रखी है, जाने नहीं दिया जा रहा है किसी को। क्या डरती है क्या पुलिस आपसे? ये तो मेरे अधिकारों का हनन है, गलत है, पर मैं सहन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। हम उसको मतदान नहीं बनाना चाहते, हमारे कार्यकर्ता जेल में जाए, पिटे, हमको घसीटें, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर के साथ तो होता रहता है, हम उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन वीरांगना के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अंतिम सांस तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर सिविल लाइन्स में इन वीरांगनाओं की सुध लेने आए हैं, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि वो सचिन पायलट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने पत्र तो लिख दिया, लेकिन इन वीरांगनाओं को प्रियंका गांधी से मिलवाने की भी व्यवस्था की जाए, जिससे इनकी मांग का कुछ स्तर तक समाधान हो सके। उनका कहना है कि अंतिम सांस तक इन वीरांगनाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।